हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये एलईडी टीवी की पावर सप्लाई जो हमारे कॉम्बो पर आती है, यानी इस पर आपको तीन सेक्शन देखने को मिलेंगे, पावर सप्लाई और मेन बोर्ड और बैकलाइट सेक्शन ड्राइवर जो होता है हमारा वो देखने को मिलेगा। तो हम इसकी वर्किंग देखेंगे किस किस तरीके से ये वर्क करता है, इसका सीक्वेंस कैसे होता है, कैसे कैसे ये स्टैंड बाय और स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद वर्क करती है, वो सब हम इसमें देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इसका मॉडल आपको बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये TP53U, यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा होगा तो TP53U 73.2, ये इसका मॉडल नंबर है कार्ड का। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूं, ये हमारा VS TP53U 73.2, ये हमारा कॉम्बो यूनिवर्सल कॉम्बो मदरबोर्ड है। ये देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं आपको यहाँ पे, ये देख सकते हैं ये हेडफोन का जैक मिलेगा, यहाँ पर आपको दो USB कार्ड देखने को मिल रहे हैं, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे दो आपको इनपुट मिल रहे हैं, और ये एंटीने वाला भी मिल रहा है, एक पोर्ट और मिल रहा है यहाँ पे, ये देखते हैं VGA पोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दो HDMI पोर्ट देखने को मिल रहे हैं। तो काफी अच्छा है ये कॉम्बो है, ये आपका 32 इंच, शायद 55 भी, वैसे 32 तक सपोर्ट अच्छा कर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नॉन एंड्रॉयड है, इसी में एक एंड्रॉयड भी आता है, ये नॉन एंड्रॉयड है, यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका मेन IC है, ये जो आप कनेक्टर देख रहे हैं ये LVDS का कनेक्टर, यहाँ पे देख सकते हैं ये LVDS का कनेक्टर हो गया। और इसमें मैं अगर सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये, अगर ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पॉइंट हमारा मेन AC इन हो गया, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ पे से ये इतना, यहाँ पे से ये इतना क्या हो गया, ये आपका प्राइमरी सेक्शन है, ये इधर का, ये आपका प्राइमरी सेक्शन हो गया, इधर का आपका मेन बोर्ड हो गया, और जो यहाँ पे को देख सकते हैं ये छोटा सा सेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका जैक भी दे रखा है, ये वाला जो जैक वाला सेक्शन है ये आपका बैकलाइट सेक्शन का है। तो इसको हम समझते हैं, इसका मैं स्कीमेटिक डायग्राम बनाता हूँ किस तरीके से वर्क करता है, उसके बाद हम समझेंगे इसको, इसकी रिपेयरिंग। अगर ये आपका नो पावर या स्टैंड बाई या बैकलाइट कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी, या साउंड की, या साउंड ओके नो पिक्चर, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है अगर इस कार्ड में, ऐसे कार्ड में, तो जो ये वीडियो बना रहा हूं आपका इसी में ही वो सीक्वेंस काम नहीं करेगा, जितने भी LCD के कार्ड होते हैं वो सारों में यही सिक्वेंस काम करेगा ज्यादातर में। तो हम देख लेते हैं एक बार किस तरीके से वर्क करता है, मैं आपको एक बार नजदीक से और दिखा देता हूं, ये देख सकते हैं। तो मैं इसको रख देता हूं यहां पे, तो सबसे पहले देख सकते हैं इसमें हमारा क्या होता है, एक पावर सेक्शन होता है ये होता क्या होता है हमारा पावर सेक्शन, यहां पे अगर हमारे दो पॉइंट होंगे तो यहां पे क्या होंगे, हमारे मेन AC होगी, मेन AC, ये आपका पावर सेक्शन हो गया दोस्तों। इस पावर सेक्शन से पहले हम पावर सेक्शन को भी समझ लेते हैं किस किस तरीके से पावर सेक्शन हमारा वर्क करता है। तो मैं जैसे यहां पे अगर इसका वो बनाऊं, जो हमारी मेन पॉइंट होंगे ये इस न्यूट्रल और लाइन, ये मैं न्यूट्रल ले लेता हूं, ये मैं लाइन ले लेता हूं, यहां पे देख सकते हैं न्यूट्रल और लाइन, लाइन पर हमारा एक फ्यूज लगा होता है ये इस तरीके से, और न्यूट्रल हमारा आगे क्या होता है, उसके बाद क्या लगे होंगे हमारे कैपेसिटर लगे होंगे, ये यहां पे मैं कैपेसिटर लगा देता हूं, एक दो प्रोटेक्शन के लिए कैसे भी लगे हो सकते हैं, प्रोटेक्शन एक लगे हो सकते हैं, दो लगे हो सकते हैं, उसके बाद हमारा आता है दोस्तों ये लाइन फिल्टर, ये यहाँ पे देख सकते हैं लाइन फिल्टर, इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा ये जो ये वाला है, ये
ये हमारा क्या है, लाइन फिल्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये लाइन फिल्टर हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमारे दोस्तों डायोड आ जाएंगे यहाँ पे, को हम ब्रिज बना लेते हैं इसको, ये इस तरीके से, ये हमारे ब्रिज बन गए, ये हमारी एसी हो गई, और यहां से जो निकलेगी हमारी ये यहां से हमारे डीसी निकलेगी, ये पॉजिटिव निकलेगा, ये निगेटिव में निकलेगा, ये इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिर एक और कैपेसिटर लगा हुआ होगा, यहाँ पे वो देख सकते हैं, ये आपका दोस्तों जो कैपेसिटर की वैल्यू होगी वो होगी 100 UF 450 वोल्ट से 550, 500, 600 वोल्ट तक ये आपको देखने को मिलेगा। 100 UF के जगह आपको 150, 200 UF भी देखने को मिलेगा, मतलब इसके आसपास ही रहेगा, कम थोड़ा ज्यादा थोड़ा, मतलब इसके आसपास रह सकता है, बाकी 100 UF 450 वोल्ट या 550 या 500 वोल्टेज पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, हमारा 300 वोल्ट जो है डीसी यहाँ पे जनरेट होंगे 300 से 350, यहाँ पे देख सकते हैं 300 से 350 वोल्टेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ये वोल्टेज आगे ट्रेवल करेगा हमारा, और यहां पे हमारा इसको हम एक सेक्शन मान लेते हैं, जो हमारा स्विचिंग करेगा, ये स्विचिंग सेक्शन, इसमें हमारा एचटीआर हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ट्रांसफार्म होगा, हम उस ट्रांसफार्म को ही बना लेते हैं यहाँ पे, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये हमारी ऑक्जिलरी वाइंडिंग हो गई, और इसके बाद हमारा, इसके बाद जो भी हमारा आउटपुट होगा, जो भी रिक्वायर होंगे हमारे बोर्ड को, वो वोल्टेज निकलेंगे। तो हमारा जो पॉजिटिव होगा यहाँ पे देख सकते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज आएगा वो सीधे चले जाएगा इस वाले सेक्शन इस पे, और जो निगेटिव वोल्टेज होगा वो जाएगा हमारा यहाँ पे देखते हैं स्विचिंग सेक्शन पे, और यहां से स्विचिंग से इस वाले पे स्विचिंग होगी हमारी, ये देख सकते हैं पॉजिटिव हमारा सीधे इस पे चला गया है ट्रांसफार्मर पे, और निगेटिव पे जब स्विचिंग होगी तो हमारे इस पे और जो आउटपुट सेक्शन होंगे उस पे क्या होगी, कुछ सप्लाइयां जनरेट हो जाएंगी, अगर एक सप्लाई है तो एक, दो है तो दो, और तीन है तो तीन, जितने भी आगे हमें रिक्वायर होंगे उस हिसाब से सप्लाइयां निकलनी शुरू हो जाएगी। और जो ये ऑक्जिलरी वाइंडिंग है, इसका ग्राउंड ग्राउंड के ही साइड मिला होगा, और पॉजिटिव पे एक आपका डायोड लग करके, और कैपेसिटर के साथ ये ग्राउंड भी होगा, उसके बाद ये सीधे कहाँ चले जाएगा, इस वाले सेक्शन को रेगुलर चलाएगा, स्विचिंग सेक्शन को, उससे पहले यहां से कुछ रेजिस्टेंस लग करके हमारे स्विचिंग सेक्शन को स्टार्टिंग वोल्टेज दिया जाएगा, क्योंकि जब तक हमारे ट्रांसफार्मर ऑन नहीं होगा, जो हमारा चॉपर होगा, तो हमारा SMPS साइज जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ये अगर हमारा ऑन नहीं होगा तो हमारा स्विचिंग सेक्शन ऑन नहीं होगा, तो ये हमारा वोल्टेज निकलेगा नहीं। तो स्टार्टिंग वोल्टेज आपको यहां से दिया जाएगा, क्योंकि इसको ग्राउंड मिल चुकी है, पॉजिटिव मिलेगा, स्टार्ट करेगा, और हमारा ऑक्जिलरी वाइंडिंग, इसीलिए ऑक्जिलरी वाइंडिंग हमें दी जाती है कि हमारा जो प्राइमरी सेक्शन को रिक्वायर वोल्टेज है रेगुलर, वो क्या हो, इसको मिलता रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमारे वोल्टेज आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक वो भी लगा होता है कपलर, यहाँ पे देखा होगा आपने, ये इस तरीके कपलर लगे रहता है, बैंडिंग से इधर कनेक्ट होता है, कितनी वोल्टेज हमें, जैसे हम पे कभी लोड डालते हैं इसमें, और उस वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए कपलर क्या करता है, इसको फीडबैक पिन होती है इसमें, वो भी इसी में जाएगी, ये फीडबैक पिन होगा इसका ये। तो ये उस तरीके से इसको वोल्टेज को आगे स्विचिंग की क्रिया, अगर लोड ज्यादा पड़ेगा तो स्विचिंग तेज कर देगा, कम पड़ेगा तो नॉर्मल में स्विचिंग उस हिसाब से कम होगी। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ये यहां पे दोस्तों हमारा हो गया पावर सेक्शन। उसके बाद मैं यहां पे एक बैकलाइट सेक्शन बना देता हूं, ये हमारा हो गया बैक बैकलाइट,
ये हो गया हमारा बैकलाइट सेक्शन। उसके बाद हमारा हो जाएगा एक मेन बोर्ड। मैं इसको पहला दे देता हूं, इसको दूसरा दे देता हूं, जो तीसरा हो जाएगा वो जाएगा मेन बोर्ड। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं क्योंकि इसमें हमारा साउंड सेक्शन भी लेना है और मेन आईसी। जैसे मान लो मैं एक साइड में ले लेता हूं या सेंटर में ले लेता हूं, मेन आईसी हो गई है हमारी। मेन आईसी सीपीयू, ये मेन आईसी हो गई। उसके बाद दोस्तों यहां पर मैं एक साउंड आईसी ले लेता हूं, ये हमारी साउंड आईसी हो गई, साउंड सेक्शन हो गया ये, साउंड सेक्शन हो गया। उसके बाद ये हमारा LVDS, जो LVDS को हमारी सप्लाई जाएगी वो हो गया। यहां पर मैं एक सेक्शन और बनाता हूं जो कि बहुत ही जरूरी है, ये होगा हमारा फ्रंट पैनल। ये हो गया हमारा फ्रंट पैनल। यहां पर आपका एक सेंसर लगा होता है ये, जिसकी तीन लैगे होती हैं। ये हमारा सेंसर लगा हुआ है। इस पर मान लो ये थोड़ा मैं इसको और नीचे बना देता हूं, ये थोड़ा मैं इसको बड़ा बनाने की कोशिश करता हूं। ये सेंसर हो गए, इसकी तीन लैगे होती हैं। इसको भी मैं थोड़ा और मिटा देता हूं। ये हमारे सपोज करो इन है, ये हमारे सपोज करो आउट है, ये हमारे सपोज करो GND है, ग्राउंड। ये अब हम जो जो सेक्शन रह गया है वो हम जब इसको क्लियर करेंगे तो उसी में मैं बता दूंगा किस किस तरीके से होगा। तो हमारा जो पावर सेक्शन है दोस्तों, यहां से हमारी सप्लाई निकलेगी, पहली निकलेगी इसके लिए, ये 24 वोल्ट, 24 वोल्ट यहां पे इसके लिए क्या निकलेगी, सप्लाई निकलेगी। और पावर सेक्शन से ले किसके लिए सप्लाई मिलेगा, यहां पे मैं एक सेक्शन और बना देता हूं, ये होगा मेरा रेगुलेटर सेक्शन, रेगुलेटर सेक्शन। उसके बाद मेरा दूसरा कहां जाएगी, ये यहां से जाएगा इस वाले सेक्शन में आएगा 12 वोल्ट डीसी। मैं इसको इस तरीके से भी दिखा देता हूं, यहां पे देख सकते हैं। और ये रेगुलेटर सेक्शन क्या करेगा, हमारा जो इसको 3.3 वोल्ट मिलना होगा, वो वोल्ट कहां से जाएगा, इस वाले मेन आईसी से इस पर चला गया। और उसके बाद क्या होगा, यहां से हमारा इसी मेन आईसी से इन वोल्टेज जाएगा इस पर 3.3 या 5 वोल्ट मेन आईसी से इस पर चला गया। और स्टैंड बाई यहां पर आपकी जो 3.3 या 5 वोल्ट है, यहां पे जो एलईडी होगा, एलईडी जो भी हमारा होगा, ये क्या करेगा, हमारा ग्लो करने लग जाएगा। जैसे ही हम यहां से पावर ऑन देंगे, ये हमारा बैकलाइट सेक्शन को चले गया और ये रेगुलेटर सेक्शन से जहां जहां इसको वोल्टेज बढ़ना था वहां वहां वोल्टेज आके बढ़ जाएगा। और जो हमारा इसी सेक्शन, मैं इसी में इंक्लूड कर देता हूं इसको, यहां से हमारा LVDS को जो 12 वोल्ट होगा, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट जो भी इसकी रिक्वायर होगी इस वोल्टेज की। अब होगा क्या देख सकते हैं, जैसे ही हमने पावर ऑन किया हमारा बैकलाइट सेक्शन पर 24 वोल्ट चले गया, लेकिन अभी बूस्ट अप नहीं हुआ है। और यहां से हमारा रेगुलेटर सेक्शन को आ गया, मेन आईसी को आ चुका है वोल्टेज, यहां पे देख सकते हैं, और साथ में साउंड आईसी को वोल्टेज चला जाएगा। ये हमारा साउंड आईसी को वोल्टेज चला गया है। उसके बाद क्या होगा, यहां पे देख सकते हैं ये वोल्टेज अभी जनरेट नहीं हो रखा है। जैसे ही हम पावर ऑन करेंगे हमारा इधर आ जाएगा 3.3 वोल्टेज, हमारा यहां पर आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम रिमोट से या इसकी जो कीज होती है यहां पर पावर ऑन का सिग्नल इसको देंगे, आउटपुट से एक वोल्टेज आएगा सीधे सीपीयू पर जाएगा, जो मेन आईसी होगा इस पर उस पर जाएगा। उसके बाद ये सीपीयू जो भी रेगुलेटर सेक्शन पर सिग्नल होते हैं वो सिग्नल रेगुलेटर सेक्शन के थ्रू इस पर दे देगा,
और यहां से हमारा ये वाला वोल्टेज भी ऑन हो जाएगा, और यहीं से हमारा सिग्नल जाएगा बैक लाइट के लिए, ये भी हमारा ऑन हो जाएगा। और जहां जहां इसको जो जो सेक्शन बंद पड़े थे स्टैंड बाई से पहले, वो सारे सेक्शन क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। उसके बाद हमारी बैक लाइट हमारा जो भी हमारा 70, 120, 130 वोल्टेज बैक लाइट के हिसाब से, कितने इंच की टीवी है वैसे बैक लाइट के हिसाब से, अगर 32 इंच है तो 70 से 120 वोल्टेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसकी जो पिन होती है ये वाली, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसको बूस्टअप करने के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक मॉस्फेट क्वाइल और एक डायोड, जो हमारा बैकलाइट ड्राइवर आता है छोटा सा कार्ड, इसी बेस पे वो वर्क करता है। कि दिन मैं इसका भी स्कीमेटिक डायग्राम दिखा दूंगा बना के पूरा अच्छे से, किस तरीके से हमारा बैकलाइट वर्क करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा मेन आईसी है, ये हमारा बायोस है, इसमें एक बायोस भी होता है जिसको 3.3 वोल्ट दिया जाता है। इससे क्या कहता है, कम्युनिकेट करता है इन और आउट, कम्युनिकेट करता है जी। उसके बाद एलवीडीएस से हमारे जो पैनल होगा, यहां पे देख लेते हैं, ये पैनल होगा। पैनल को जैसे ही हमारे एलवीडीएस से सिग्नल जाएंगे और पैनल अगर ठीक हुआ तो आपकी पिक्चर यहाँ पे साउंड जो भी हमारा इन होगा, जैसे हमने मान लो यहाँ पे HDMI पोर्ट से जब हम सिग्नल इसको लेंगे, ये यहां से सिग्नल इसको देंगे, जैसे इसको सिग्नल देंगे वहां से वो क्या करेगा, साउंड सिग्नलों को इसको भेज देगा, और यहां से इनको प्रोग्रेस करके RGB के फॉर्म में ये LVDS पर डाल देगा, LVDS से पैनल में चले जाएगा, जो भी हमारा पैनल का वर्क होगा वो उसको क्या करेगा, ग्राफिक के रूप में दिखा देगा। तो इस तरीके से करती है हमारा जो LED का जो कार्ड होता है, ये देख सकते हैं ये इस तरीके से वर्क करता है। हमारा पावर सेक्शन होता है ये, यहाँ पे को देख सकते हैं, ये हमारा इतने में लाइनिंग खींची हुई है, ये आधा ट्रांसफार्मर लिया हुआ है यहाँ, ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो पावर सेक्शन हमें यहाँ पे देख सकते हैं, दो डायोड के थ्रू यहाँ पर पावर जनरेट कर रहा है इसके आउटपुट पे, एक हमारा इधर भेज रहा है ये, एक हमारा ये रहा, एक हमारा ये रहा, ये 12 वोल्ट के लिए, एक हमारा 24 वोल्ट के लिए ये रहा। ये हमारे यहाँ पर साउंड आईसी है, ये देख सकते हैं, ये हमारी साउंड आईसी हुई है, यहाँ पर साउंड के जैक हो गए। बाकी हमारे रेगुलेटर के लिए छोटी छोटी क्वाइलें यहाँ पे देख सकते हैं, 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट। तो जहाँ पे जो ये हमारा 3.3 वोल्ट भी चल सकता है, जो फ्रंट पैनल है 5 वोल्ट भी, यहाँ पे जब इन सिग्नल आता है तो खाली लाइट जलती है रेड, ये यहाँ पे खाली रेड लाइट जलेगी। और जैसे ही हम यहाँ से रिमोट से या की से प्रेस करेंगे आउट में, जब ये जाएगा मेन पे तो ये ग्रीन लाइट शो करेगा। तो हमारा जैसे ही इस पर स्टैंड बाय रिलीज होगा, तो ये जहां जहां हमारे वोल्टेज स्टैंड बाय से पहले रुके हुए थे वो सारे क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। बैकलाइट सेक्शन को ये ऑन का सिग्नल दे देगा, तो ये अपना बूस्टअप करना शुरू कर देगा और यहाँ से हमारी बैकलाइट जलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होता है, हमारे जो कॉम्बो होते हैं बोर्ड या LED टीवी के जो मेन बोर्ड होते हैं, पावर सप्लाई विद मेन बोर्ड, अगर किसी किसी में क्या होता है कि ये भी हमारा अलग कार्ड होता है, ये भी अलग कार्ड होता है, ये भी अलग कार्ड होता है, उस केस में क्या हो जाता है, अगर ये खराब है इसको रिपेयर कर लो, ये खराब है इसको, ये खराब है इसको, या कोई एक अगर कुछ ज्यादा जल गया तो उसको उठा के चेंज कर दो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको कॉम्बो देखने को मिलेगा, तीनों सेक्शन इसी में है, आपकी पावर सप्लाई भी है, बैकलाइट भी है, मेन बोर्ड भी है, तीनों इसी में ही है। काफी अच्छा बोर्ड है ये, अगर आपका ऐसी जो किसी में समस्या आ गई है कि इसका बोर्ड काफी कॉस्टली मिल रहा है, तो इस बोर्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं, काफी कम प्राइस है इसकी, मार्केट के हिसाब से 100-200 अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम प्राइस है। तो इस तरीके से आप किसी भी LED टीवी को रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है, हमारा स्टैम्प है इलेक्ट्रिकल हब का कोर्स चल रहा है 1 मंथ के पैकेज के साथ, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पे हमारा 100, 300, 500 और 1000 पे आप देख सकते हैं। 100 रुपीज़ में दोस्तों आपको देख सकते हैं आयरन हीटर मोटर फैन कूलर मिक्सर एग्जास्ट देखने को मिलेगा। 300 पे फुल होम वायरिंग प्लस प्लम्बिंग,
ये दोनों आपको दोस्तों 300 पर देखने को मिलेंगे, और 500 में गैस गीजर, इलेक्ट्रिकल गीजर, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और इन्वर्टर की वायरिंग, जो भी हमारे मकानों में इन्वर्टर की वायरिंग होती है वो सब हम इसमें क्लियर कर लेंगे। और 1000 पर आप ऑटोमेटिक चिमनी, फ्रिज और इंडक्शन, ये सारे कोर्स आप देख सकते हैं।